24 फरवरी को होने जा रही महापंचायत को लेकर किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मामला किसान आंदोलन को लेकर है। आगरा किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने आज यूथ हॉस्टल संजय प्लेस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ने बताया कि किसानों के हितों के लिए 24 फरवरी को महापंचायत किरावली में होने जा रही है। महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकेत शामिल होंगे। नवबारा समाचार आगरा से राजीव कंचन। अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में पूरा देश उबल रहा है, आक्रोश में है। हमने आगरा जनपद में कई जगह नुक्कड़ सभाएं की। उन नुक्कड़ पंचायतों में यही निकल कर आया कि आप माननीय राकेश टिकैत को आगरा में ज़रूर बुलाइए, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। हमने माननीय राकेश टिकैत साहब के लिए एक अनुरोध किया, हमारा अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया और 24 फरवरी 2021 दिन बुधवार दोपहर 12 बजे का हमें समय निश्चित किया है मिनी स्टेडियम किरावली मौनी बाबा आश्रम में। मैं आगरा जनपद के समस्त किसानों से, भाइयों से, मजदूरों से, भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने नेता को सुनने के लिए आप जरूर आइए, हमारा सहयोग कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह इस केंद्र सरकार ने जब 26 जनवरी को हमारे ऊपर कितने बड़े षड्यंत्र लगाए, 28 तारीख को हमारा धरना समाप्त करने का इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र की जो स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है कि जहां माननीय राकेश टिकैत बैठे थे वहां पे हजारों की संख्याओं में रैपिड एक्शन फोर्स अन्य पुलिस बल को वहां तैनात कर उन्हें मारने की पूरी साजिश की गई एक विधायकों द्वारा। जिस तरह से जो षड्यंत्र किया है, देश में और ज़्यादा आक्रोश भड़का है और जिस तरह से माननीय राकेश टिकैत साहब के जो आंसू आए, देश का किसान सुबह 29 जनवरी को माननीय राकेश टिकैत साहब के पास पहुंच गया था लाखों की संख्या में। आज किसानों का काम जरूर है, लेकिन उन किसानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन एक दिन 24 फरवरी 2021 दिन बुधवार का समय आप निश्चित कीजिए, उस दिन 2 घंटा काम आप जरूर छोड़ दीजिए। जो छोटे मोटे काम हैं वो 12 बजे से आप पहले कर लीजिए। आपसे अनुरोध है, ये बार बार मौके नहीं आते हैं। देश के साथ में किसानों के साथ क्या स्थिति हो रही है, किस तरह से हमें बर्बाद करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, देश उद्योगपतियों के हाथ में चला जा रहा है, MSP की गारंटी नहीं ली जा रही है। एक माचिस की गारंटी तो हो सकती है, उसकी रेट डिसाइड हो सकती है, लेकिन हमारे जो आलू हो चाहे गेहूँ बाजरा इत्यादि जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं कृषि, लेकिन उनका कोई मूल्य निर्धारित नहीं होता है। यहाँ खेत क्षेत्र जो आलू उत्पादक क्षेत्र है, 2020 में जरूर पैसा मिला, लेकिन 2015 से लेकर 2019 के बीच में यहाँ 45 से अधिक किसानों ने आर्थिक तंगी के कारण दम तोड़ दिया था। आज फिर वही स्थिति है, इन्होंने इसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। जरूर आप देखिए, जहाँ पर हमारा 1200 रुपये कुंटल से अधिक जो हमारा लागत मूल्य होता है, उसमें हमारे जो है इन लोगों ने सरकार की जो MSP थी इन्होंने घोषित की, उसका मात्र 487 रुपये कुंटल की। इनकी कथनी और करनी में ज़बरदस्त अंतर है। मैं आलू उत्पादक किसानों से सभी से अनुरोध करना, सभी किसानों से, मजदूरों से, सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि 24 तारीख को माननीय अपने नेता को, अपने प्रिय नेता को, अपने बेटे को, अपने लाडले को सुनने जरूर किरावली आएँ, अन्यथा देश का किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र आज बर्बादी के कगार पर चला जाएगा।